हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चा, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो आपका पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट बच्चों आ चुका है। तो रिजल्ट आउट होने पर बहुत सारे बच्चे खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनका नंबर नहीं आया है वो दुखी भी होंगे। तो आपको इसमें बताने वाला हूँ किस तरीके से इसकी मेरिट लगी है, क्या क्या बेस रहा है, एएसआई के कितने बच्चे इन्होंने लिए हैं, हेड कांस्टेबल के कितने बच्चे इन्होंने लिए हैं, वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी तो कितनी इंक्रीज़ हुई थी और कितने बच्चे इन्होंने लिए। इसमें एक का चीज़ आपको बता दूं, मैं पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि अगर वैकेंसी जो थी उससे ज़्यादा इन्होंने बच्चे लिए हैं। वो सारी बातें अभी आगे वीडियो में आपको करने वाला हूँ। यहाँ पर टोटल बात करने वाला हूँ मैं आपकी, जो मेरिट लिस्ट है कितने बच्चे इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं, और कब तक आपका इसमें ये जो ज्वाइन लेटर है वो मिलने वाला है वो भी आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ बच्चों में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे पोस्ट आपकी जो आई थी, ये पोस्ट आपकी एएसआई यानी स्टेनो वाला जो है इसकी पोस्ट थी, और आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट थी इसमें इसमें जनरल और आप ईडब्ल्यूएस दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी की टोटल पोस्ट इसमें जब ये वैकेंसी आई थी तो यहाँ पे इसमें जो है 1315 पोस्ट थी इसमें टोटल, और एएसआई में 143 पोस्ट थी। ये दोनों पोस्ट आपको देखने लायक है क्योंकि अभी जो है इसमें वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट डेट ऑफ इसमें जो है आपका एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 4 जनवरी 2023 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट थी आपकी 25 जनवरी, 25 जनवरी को फॉर्म आपकी बंद हो गए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट था उसके 15 फरवरी को आपका एग्जाम यहाँ पे इन्होंने बताया था, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो आपका यहाँ पे टेंटेटिव होता है वो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके जो है दी थी बच्चों। तो बच्चों को सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस में बताया था, लेकिन एक नोटिस फिर जारी हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस जारी हुआ था 2024 में ही, 5 जनवरी 2024 को ये नोटिस है, जिसमें बताया गया था कि आपकी पोस्ट जो मिनिस्टर की हैं वो जो है आपकी इंक्रीज़ कर दी है। कितनी इंक्रीज़ कर दी है, पहले आपकी जो पोस्ट थी वो अलग थी लेकिन इसमें इंक्रीज़ कर दी है, अब ये 1414 पोस्ट आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ऐसा पहली बार देखा गया है बच्चों कि जितनी पोस्ट अलाउंस हुई थी उससे ज़्यादा बच्चे इन्होंने लिए हैं। क्यों लिए हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1414 वैकेंसी यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये लास्ट लिस्ट का लास्ट पेज है आपका, ये सीरियल वाइज नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 1489 बच्चे इन्होंने लिए हैं, जबकि वैकेंसी 1414 थी बच्चा। अब इन्होंने ये इतने फालतू बच्चे कैसे लिए हैं जो 1489 बच्चे इन्होंने लिए हैं, पहली बार मैंने ऐसा देखा है। तो हो सकता है इन्होंने और भी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी हो, तो इससे तो यही लगता है कि हो सकता है इन्होंने वैकेंसी जो है बाद में और ज़्यादा बढ़ा दी हो। तो यहाँ पर 1414 का नोटिस था लेकिन बच्चे 1489 जो सेलेक्ट हुए थे, तो बहुत ही अच्छी बात है, उन बच्चों को भी मौका मिला जो बच्चे बाहर हो जाते। 1414 से 1489 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो यहाँ बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये कि बच्चों को और फालतू यहां पे ले लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट एएसआई की। एएसआई की मेरिट लिस्ट बनी थी, एएसआई की वैकेंसी मैंने आपको बताई थी 143 वैकेंसी आपको यहाँ पे बताई थी मैंने, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एएसआई की लास्ट पेज है ये, तो यहाँ पे 169 वैकेंसी इन्होंने लिए, यानी 143 वैकेंसी थी, 143 के स्थान पर इन्होंने 169 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया है। ये फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद आपका ज्वाइन लेटर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब बहुत सारे के बच्चों के मन में ये बात आएगी, सर ज्वाइन लेटर कब तक मिलेगा? तो बच्चों 12 फरवरी के लगभग आपको यहाँ पे ज्वाइन लेटर मिलने वाला है। 12 फरवरी की जो डेट दी इन्होंने दे रखी है, तो रोजगार मेले के हिसाब से आपको यहाँ पे 12 फरवरी के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ज्वाइन लेटर या आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जहाँ तक बताया गया है, एक नोटिस इन्होंने जारी किया था उसमें तो इन्होंने यही बता रखा है कि आपकी 12 फरवरी तक ज्वाइन जो है आपकी हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है ये कि 143 वैकेंसी थी और 169, कब बहुत ही कम रेयर चांस होता है ये कि जितना नोटिस निकाला गया उससे ज़्यादा बच्चे लिए हों, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला। यहाँ पे टोटल मैंने वैकेंसी आपको दिखा दी है, कितनी वैकेंसी थी, किस तरीके से आपके फॉर्म आए थे, कैसे इन्होंने इसमें वैकेंसी इंक्रीज की थी, हर नोटिस इन्होंने दिया वो नोटिस मैंने आपको दिखाया था। अब बात करता हूँ बच्चे कट ऑफ के बारे में, बहुत बोलेंगे सर कट ऑफ क्या रही है। तो बच्चों देखिए, कट ऑफ ये अलाउंस नहीं करते, अगर कट ऑफ ये अलाउंस करते तो मैं अभी आपको दिखाता। तो कट ऑफ का इन्होंने कोई भी ऐसा रीज़न नहीं दिया है कि इतनी कट ऑफ गई है इतनी नहीं है, बस इन्होंने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए हैं, ये कैंडिडेट जो है जिनका नंबर है, रोल नंबर वगैरह देखिए यहाँ पे इनका नाम आ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, जिनका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नाम आ रहा है यहाँ पे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है बच्चों। अभी कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं, हो सकता है कट ऑफ ये बाद में जारी करें लेकिन कट ऑफ अभी तक नहीं आई है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।